साले चुगले, बड़ा चुगलखोर बन रहा है आजकल तू। क्या बोल रहा है सर को हमारे? अबे ओ, अगर अपनी जान प्यारी है ना तो चुपचाप ना अपना मुंह बंद रखा कर। जो तू बॉस के पास जाकर के शिकायत कर रहा है ना, तेरे दांत तोड़ के तेरे हाथ में दे देंगे। ज्यादा ही जबान चल रही है तेरी आजकल, है ज्यादा ही चढ़ रही है, तो कुछ चढ़ भी है। सही कह रहे हो तुम साला, इसी चौसे बहुत बकवास करता था। क्या बोल रहा था सर को कि जब सर नहीं होते तो हम बाहर घूमने जाते हैं। तू ना यहाँ पे गार्ड है तो अपनी औकात में रह, ज्यादा ना बॉस का चमचा बनने की जरूरत नहीं है, वरना ना चम्मच की तरह तेरे को टेढ़ा कर देंगे। जितनी औकात है ना उतने में ही बात किया कर, ज्यादा ऊंचा उठने की ना तेरे को जरूरत नहीं है। और ये तो देख साला गार्ड की नौकरी करता है और हीरो बन रहा है। साले हीरो तो मैं बना दूंगा तेरे को। तू ना इसी लायक है, यहाँ पे तो पिट ही रहा है और जहाँ जाएगा ना वहाँ भी पिटेगा, तो तेरे लिए ना यही बेटर होगा कि जा करके ना बॉस को फालतू की बातें बताने की जरूरत नहीं है। आइंदा अगर तूने सर से हमारी शिकायत कर दी ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं, समझ में आ गई तेरे को? टांगे तोड़ी देनी चाहिए इसकी, इसको तो काट देना चाहिए चक्कू से, बदतमीज कहीं का। इस बेचारे को क्यों मार रहे हो तुम? बड़ा मसीहा बन रहे हैं आप, क्या आपका बेटा है क्या? अरे मेरा बेटा नहीं है लेकिन मेरे बेटे जैसा तो है। अबे बेटे जैसी है ना तो एक काम करना, अपने घर पे रख इसे, यहाँ झाड़ू के लगवा रहा है इससे। लगता तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। बड़ों से बात करने की तमीज तो हमें तब आएगी ना जब कोई बड़ा हमारे सामने आएगा। अरे तुमसे बड़ी तो ये झाड़ू है, एक बार देखो। अरे तुम लोगों से तो बात करना ही बेकार है। अरे बेटा क्यों मार रहे थे तुझे ये? अंकल जी जब बॉस नहीं होते ना तो ये तीनों एम्प्लॉय घूमते रहते हैं, तो इनकी मैंने यही शिकायत लगा दी तो मुझे मारने लगे ये। अच्छा एक तो गलती तुम्हारी, ये बेचारा तो तुम्हारी शिकायत लगा रहा है और तुम इसे ही मार रहे हो। पहली बात तो कौन है तबे हमारी गलती बताने वाला? और इसका काम है क्या हमारी गलतियाँ लेकर चुगली करना बॉस से? इसका काम झाड़ू लगाना है, वही करे तो बेहतर है इसके लिए। देख तूने मेरी बाप की उम्र का है इसलिए मैं तेरे को ना मारना नहीं चाहता, वरना एक झापड़ में मर जाएगा तू। चुपचाप से निकल जाए यहाँ से। और तू, तेरे को तो आज की डोज मिल ही गई होगी, उम्मीद है आगे से जो तेरी चोंच है ना चलेगी नहीं। अरे यार बस करना, इन गवारों के मुंह कौन लगेगा। चलो हम चलते हैं, बॉस आने वाले हैं, टाइम वेस्ट होगा। हाँ यार चलो। अरे बेटा तो क्यों इन लोगों के मुंह लगता है, जा अपना काम कर आराम से। ठीक है अंकल जी। और अंकल जी आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद कर दी, वरना ये लोग ना मुझे और मारते। कोई बात नहीं बेटा, तू जा अपना काम कर। अरे साहब आप आ गए, क्या हुआ सर आप थोड़े उदास लग रहे हो। अरे क्या बताओ संदीप, अभी गेट से बाहर निकल रहा था ना तो तीन लड़के लड़कियां एक बेचारे गार्ड को मार रहे थे। पर वो ये सब कर क्यों रहे थे? अरे उस बेचारे गार्ड की सिर्फ इतनी गलती थी कि वो लड़के लड़कियां ना ऑफिस टाइम में बाहर घूमने जाते थे और इतनी सी बात पे उस बेचारे गार्ड को पीट दिया। ये तो गलत बात है ना, वो जिस चीज़ की सैलरी लेते हैं उन्हें वो काम प्रॉपर करना चाहिए। खैर कोई बात नहीं सर, आप लेट हो रहे हो, आप चलिए। हेलो। अरे विनय बेटा तेरे से एक बात करनी थी। जी पापा। अरे तूने कैसा स्टाफ रखा हुआ है बेटा अपने ऑफिस में, जिसको बात करने की तमीज तक नहीं है। आज मैं जब ऑफिस से आ रहा था ना तो तेरे कुछ ऑफिस के कुलीग बेचारे उस गार्ड को पीट रहे थे। अरे पापा क्या बात कर रहे हैं, मेरा स्टाफ तो वेल एजुकेटेड और काफी पढ़ा लिखा है, आपको कोई गलत फहमी होगी, आप किसी और की बात कर रहे होंगे। बेटा मुझे पता था तू मेरी बात नहीं मानेगा, एक मिनट होल्ड कर मैं तुझे एक वीडियो भेजता हूँ। देख बेटा मैंने तुझे वीडियो भेजी है। अरे हाँ ये तो धर्मेंद्र रिंकी और सना है। पापा आप सही कह रहे हैं, ये तो रिंकी धर्मेंद्र और सना है और ये बेचारे सलमान के साथ में बहुत गलत बर्ताव कर रहे हैं। अब तो मेरी बात पे यकीन हुआ ना बेटा, देख कैसे उस बेचारे गरीब को कैसे सता रहे हैं वो। अरे क्या गलती है उस बेचारे की? उस बेचारे की सिर्फ इतनी गलती है कि जो तेरे ऑफिस का स्टाफ है ना ये ऑफिस टाइम में बाहर घूमने जाता है और उसने इसकी शिकायत तेरे से करी होगी। पापा आप ठीक कह रहे हैं, वैसे मुझे सलमान ने इनकी कंप्लेंट करी थी तो मैंने उन लोगों को डांटा था, इस चीज़ का बदला ले रहे होंगे ये। लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, इन लोगों को तो मैं सबक सिखाऊंगा, मेरी नॉलेज में बात आ गई है ना। एक बार तो मैंने इनको छूट दे दी थी लेकिन दूसरी बार इनको छूट बिल्कुल नहीं दूंगा। ठीक है बेटा,
इन सर? हाँ आओ आओ। यस सर, आपने बुलाया हम तीनों को? हाँ मैंने आप लोगों को बुलाया। दरअसल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी और आप तीनों की परफॉर्मेंस देख के काफ़ी तारीफ हुई आप तीनों की, तो डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि आप लोगों की प्रमोशन की जाएगी क्योंकि आप लोगों ने सच में कंपनी में बहुत ही बेहतर काम किया पिछले दिनों में। सर प्रमोशन, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। यस सर, आपको तो पता ही है कि हम कितने लॉयल हैं इस फर्म को लेकर के और कितने टाइम से काम कर रहे हैं, सीनियर्स हैं, तो प्रमोशन तो वैसे भी बनता ही है हमारा, और आपने इस बारे में सोचा तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। सर हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं यार। हाँ गुड न्यूज़ तो है ही सना। बाकी इसी खुशी के मौके पे मैंने एक छोटा सा गेट टुगेदर घर पर रखा है, तो मैं सोच रहा था कि आज ऑफिस के बाद में आप लोग मेरे घर आ जाए तो वहीं पर मैं आप लोगों को प्रमोशन लेटर भी दे दूंगा और इसी साथ में एक छोटा सा गेट टुगेदर हो जाएगा, डिनर कर लेंगे साथ में। यस सर, श्योर हम टाइम से आ जाएंगे। हाँ जी सर बिल्कुल, हम शाम को आ जाएंगे आपके यहाँ डिनर पे। चलो ठीक है, अभी ना मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना है तो मैं तो अभी निकल जाता हूँ, बाकी तुम लोग शाम को ऑफिस ऑफ होने के बाद में आ जाना। ठीक है? ठीक है सर, ओके सर। मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आप लोगों को एड्रेस। ओके सर, आप जाइए, बाकी सारा काम हम संभाल लेंगे। Yes, like, हम ना यहाँ पे बहुत पुराने हैं और इतने टाइम से काम करे तो ऑब्वियसली हमें प्रमोशन तो मिलना ही था, और इतने लॉयल है हम, इतना अच्छा काम करते हैं, और वैसे भी यार यहाँ के सीनियर हैं हम, अरे हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा तो और किसको मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहा है, इतना सारा सरदर्द लेने के बाद फाइनली प्रमोशन मिल रहा है हम लोगों को, इतनी मेहनत से जो काम काम करते हैं। अब देख पूरी कंपनी ना थोड़े टाइम बाद हमारी उंगलियों पे नाचेगी। क्यों नहीं नाचेगी मिस पिंकी, बिल्कुल नाचेगी। शाम को चलो यार, शाम को ना टाइम से चलेंगे, मुझे तो बहुत जल्दी हो रहा है, मेरा मन तो कर रहा है अभी चली जाओ। अबे काम करते हैं, एक आधा घंटा काम करते हैं, फिर थोड़ा आराम करेंगे, फिर निकल लेंगे शाम को। अबे चलना, प्रमोशन मिलने वाला है, अभी भी कोई काम करेगा क्या? पार्टी करते हैं उसके बाद सबके घर चलेंगे। चलो चलो चलते हैं, चलो अच्छा। गेट खुला, अंदर आ जाओ। हेलो सर। हाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बैठो। आने में कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? अरे नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई, आपने जो एड्रेस दिया था उससे इजीली आ गए। यस सर। गुड गुड, और काम कैसा चल रहा है तुम लोगों का? बहुत अच्छा चल रहा है सर, हम बहुत मन लगा के काम कर रहे हैं। वैसे सर वो आपने ना कुछ प्रमोशन लेटर के लिए बुलाया था हमको। तुम लोगों ने काम इतना अच्छा किया है। हाँ तुम कुछ कह रहे थे? मैं सर ये कह रहा था कि मिलना क्यों नहीं चाहिए, आखिरकार हम उसके हकदार हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, तुम तीनों काबिल हो और तुम लोगों ने काम ऐसा किया है कि मैं मजबूर हो गया कि तुम तीनों को जल्दी से जल्दी प्रमोशन दूँ। और पर प्रमोशन लेटर देने से पहले ना मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो आपको अपने हाथों से प्रमोशन लेटर दे। जरूर सर, मिलवाइए ना, वी आर ग्लैड टू मीट। हाँ जी सर, क्यों नहीं, इस मुहूर्त में मिलना चाहेंगे, कौन है? डैड। पहचाना है ने? क्या हुआ धर्मेंद्र, कुछ बोल नहीं पा रहे तुम? रिंकी अभी तो तुम बहुत ज्यादा बोल रही थी, चुप क्यों होगी, बोलो ना। सना तुम तो एटलीस्ट कुछ बोलो ना यार, तुम तो बोल रही थी कि तुम डिजर्व करती हो, और अब यार तुम तीनों ही एकदम चुप खड़े हुए, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ, मेरे डैड को पहले तुमने देखा है क्या, पहचाना नहीं तुमने? अरे तुम तीनों को शर्म नहीं आती है कि तुम सलमान के साथ में इतना गंदा बर्ताव कर रहे थे? मेरे डैड ने मुझे सब बता दिया है कि कैसे तुम उसको बाहर मार रहे थे, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। सर सलमान के साथ? सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया उसके साथ। हाँ सर हमने तो बस बोला था, मारा नहीं था। हाँ हमने मारा नहीं था सर। और क्या, क्या सच कह रहे हैं हम? अभी तुम्हारे को तुम्हारी वीडियो ही दिखा देता हूँ, ले देखो। क्या हुआ, होश उड़ गए तुम्हारे? अरे तुम्हारी ये करतूत ना मेरे डैड ने मुझे फोन करके तभी बता दी थी, और मुझे तो शर्म आती है कि जब मेरे डैड ने तुमको रोकने की कोशिश की तो तुमने उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया। अरे मेरे को तो शर्म आती है तुम तीनों के ऊपर, अगर जब मेरे डैड ने तुम तीनों को रोकने की कोशिश की तो तुमने उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया, तुमने उनके साथ ही बदतमीजी करी। यार तुम किस मिट्टी के बने हो? अरे यार कम से कम ईमानदारी तो दिखाओ,
तुम मेरे एम्प्लॉय हो, मेरा नमक खाते हो, तो मेरी कंपनी के प्रति तुम्हारे को वफादार भी होना चाहिए। मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम जैसे लोगों के ऊपर आंखें बंद करके ट्रस्ट कैसे कर लिया। पता है मैंने अपने डैड से क्या कहा था जब मेरे डैड ने मुझे फोन किया? मैंने कहा कि मेरा स्टाफ बहुत वेल एजुकेटेड और पढ़ा लिखा है, पर तुमने ना मुझे मेरे डैड की नजरों में शर्मिंदा कर दिया। अब मुझे गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर यार। तुम सच में यार बहुत गिरे हुए हो। मैं अभी के अभी तुम तीनों को इस कंपनी से निकालता हूँ। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत करिए हमारे साथ। प्लीज सर, हमें इस जॉब की बहुत जरूरत है, आप हमारे साथ ऐसा मत करिए। आगे से ना हम आपको कोई भी गलती का मौका नहीं देंगे। धर्मेंद्र प्लीज बोलो ना। यस सर, सर प्लीज हमें ना जॉब से मत निकालिए। आपको नहीं पता मेरे को ना इस जॉब की सख्त जरूरत है सर। सर मेरा ना होम लोन चल रहा है सर इस जॉब से। अगर आप मेरे को जॉब से निकाल दोगे तो सर मैं कैसे रहूंगा सर, मैं कैसे चुकाऊंगा वो लोन? एग्जैक्टली सर, और इतनी जल्दी तो जॉब भी नहीं मिलेगी मुझे कहीं। मेरी मदर की तबीयत बहुत खराब है, आप तो सब जानते हैं, हम तो सारी बातें आपके साथ शेयर करते हैं। आप प्लीज हमारी जॉब मत लीजिए। यस सर, और हम तीनों को ना अपनी गलती का बहुत ही ज्यादा पछतावा है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं तो अपने भाई की कॉलेज की फीस भरती हूँ और मुझे घर का खर्चा भी चलाना होता है सर, आप तो जानते ही ना। प्लीज प्लीज सर हमें माफ कर दीजिए। यू आर फायर्ड नाउ। मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाओ और अभी के अभी निकल जाओ। कल से आने की कोई जरूरत नहीं मेरे ऑफिस। मुझे ना तुम्हारी कोई दलील नहीं सुननी है। मुझे शक्ल मत दिखाओ, निकलो यहाँ से। तो निकलो। अरे विनय माफ कर दे इन्हें, इतना कठोर दिल भी मत बन। अरे इन्होंने जो किया सो किया, लेकिन अगर वही हम इनके साथ करेंगे तो इनमें और हमारे में फर्क क्या रह जाएगा? माफ कर दे बेटा इन्हें। और वैसे भी एक गलती करने पर तो भगवान भी माफ कर देता है, और हम तो इंसान है ना, इन्हें जॉब से मत निकाल। ठीक कहा डैड आपने, जब कोई अपनी गलती की माफ़ी मांग ले तो उसे भगवान भी माफ़ कर देता है। हम तो फिर भी इंसान हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मेरे डैड के कहने पर तुम तीनों को माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुमको मैंने अधिकार दे दिया कि तुम आगे से किसी के साथ में बदतमीजी करो। पता है जब एक गरीब आदमी अपनी फैमिली को छोड़ के शहर के अंदर आकर नौकरी करता है ना, तो उसकी पूरी फैमिली की उम्मीदें से जुड़ी होती है। और जब तुम जैसे कुछ एम्प्लॉयज जो सीनियर पोजीशन के ऊपर बैठे होते हैं और उसके साथ में बदतमीजी करते हैं, तो वो इंसान टूट के जब वापस जाता है ना, तो उससे उसका पूरा परिवार बिखर जाता है। तुम्हारे को कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते ना, तो किसी की खुशी छीनने का भी अधिकार नहीं है तुम लोगों को। और एक ही चीज़ बोलूँगा, जिसका नमक खाते ना उसके प्रति हमेशा वफादार रहो, नहीं तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ोगे, यहीं पर ख़त्म हो जाओगे। बस तुम्हारी पहली गलती समझ के और नादानी समझ के तुमको माफ़ कर रहा हूँ, पर ये पहली और आखिरी गलती होगी। अगर आज के बाद तुमने कुछ भी गलत किया किसी के साथ में भी, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा और वो तुम्हारा इस कंपनी के अंदर आखिरी दिन होगा। आगे से कभी किसी गरीब के साथ में ना बदतमीजी करना और ना कभी अपने से बड़ी उम्र वाले के साथ में। थैंक यू सो मच सर, एंड वी आर रियली सॉरी। आगे से कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे, है ना? यस सर, आगे से ना, आगे से हम कभी भी ना किसी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे आपको। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम अब मेरी उम्मीद टूटने नहीं दोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने यही बताने की कोशिश की कि कभी किसी की अच्छाई का फायदा मत उठाओ, कभी किसी गरीब को मत सताओ, और हमेशा अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ में इज्जत से बात करो, रिस्पेक्ट से बात करो, और कम से कम यार तुम जितना नमक खा रहे हो उसके साथ में वफादारी जरूर निभाओ, ठीक है ना? और हम ऐसी और भी मोटिवेशनल वीडियोस बनाते रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद जो होता है वो होता है कि एक पॉजिटिव मैसेज के साथ में वीडियो बनाना। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप हमेशा की तरह इस वीडियो को भी शेयर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ आपकी शेयरिंग है। बाकी पेज को फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।